फिल्मी स्टाइल में 20 वर्षीय युवक ने 5 घटनाओं को दिया अंजाम। काले कपड़े पहनकर महिलाओं के सर पर प्रहार कर करता था लूटपाट। झग्गा पुलिस सिसोजी वसवार टीम को मिली बड़ी कामयाबी। एडीजी जॉन ने टीम को 1,00,000 रुपए का दिया इनाम। एसएसपी और एसपी नॉर्थ ने घटना का किया खुलासा। गोरखपुर। कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, इसलिए अपराधी चाहे कितने ही तरह के हथकंडे क्यों ना अपना ले, आखिरकार वे एक दिन पुलिस की गिरफ्त में जरूर आता है। पिछले 4 माह से झग्गा पुलिस के लिए सरदर्द बने बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस के सामने चैलेंज था, क्योंकि वे एक ही पैटर्न पर 5 घटनाओं को अंजाम दे चुका था। फिलहाल पुलिस ने 20 वर्षीय आरोपी अजय निषाद को गिरफ्तार करके उसके सही ठिकाने पर पहुंचा दिया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी काले कपड़े और बिना चप्पल के ही घटना को अंजाम देने पहुंचता था। उसके हाथ में लोहे का रॉड, लकड़ी का डंडा होता था, जिससे वह महिलाओं पर प्रहार कर लूटपाट की घटना को अंजाम देता था। पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि विगत 4 माह से झग्गा थाना क्षेत्र में एक ही पैटर्न पर 5 तरह की घटनाएं हुई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूचना तंत्र एसओजी स्वार टीम की मदद से आखिरकार 20 वर्षीय आरोपी अजय निषाद निवासी मंगलपुर को गिरफ्तार किया गया है। वे वर्ष 2022 में दुष्कर्म के मामले में जेल गया था। 6 माह के बाद जमानत मिलने पर वे सूरत चला गया। इसी वर्ष में आया हुआ था और उसने झग्गा थाना क्षेत्र में 5 घटनाओं को अंजाम देना कबूल किया है। पुलिस ने उसके पास से घटना में प्रयुक्त लोहे का रॉड, 4 पाई का पाया, बॉस व लकड़ी के डंडे बरामद किया गया है। 5 घटनाओं का आज खुलासा हुआ है। एडीजी जॉन ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 1,00,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया है। आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक में पुलिस पैरवी करके इसे सजा भी दिलाई गई। गोरखपुर के थाना जंगहा क्षेत्र में विगत 4 महीनों में एक ही पैटर्न पर कुछ घटनाएं हो रही थी, जिसमें रात के समय पर 1 से 4 बजे के बीच के समय पर कोई एक अनजान व्यक्ति घरों को टारगेट कर रहा था और वहां पे सो रही महिलाओं के ऊपर प्रहार कर रहा था, उनको इंजरी हो रही थी और फिर वो वहां से भाग जा रहा था। इस पूरे घटनाक्रम की जब समीक्षा की गई तो संज्ञान में आया कि पिछले 4 महीनों के दरमियान 5 ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि एक घटना 30/7 को सिंगपुर में, 12/8 को उपधौलिया में, 26/8 को हाथखाल में, 10/11 को मंगलपुर में और 13/14/11 की रात को कटेरिया में। पहली ही घटना से लेकर के अभी तक थाने की टीम द्वारा हमारे एसपी नॉर्थ, सीओ चौरी चौरा व एसओजी और सर्विलांस की टीम द्वारा लगातार घटनाओं की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा था। रात्रि के समय पर पुलिस के साथ साथ स्थानीय जो निवासी हैं, ग्राम प्रधान है और अन्य जो सहयोगी लोग हैं, उनके साथ निगरानी भी की जा रही थी। इसके अलावा ग्रामवासियों को इसके संबंध में जागरूक भी किया जा रहा था, सेंसिटाइज भी किया जा रहा था। बीच में 1.5-2 महीने का इसमें गैप आया था और रिसेंटली 9/10 की रात में घटना हुई थी और फिर 13/14 की रात में घटना हुई। इस घटना के सभी पहलुओं की जांच की गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, आसपास के सीसीटीवी कैमरास को खंगाला गया और कई संदिग्धों से लगातार पूछताछ हुई। इस सारे कार्रवाई के बाद, इस सारे प्रयासों के बाद इस घटनाओं का सफल अनावरण कर लिया गया है। इस घटना के मुख्य अभियुक्त अजय निषाद, 20 वर्षीय जो युवक है, उसको अरेस्ट किया गया है। वो इसी थाना क्षेत्र के मंगलपुर गांव का रहने वाला है और मंगलपुर गांव है जहां पर इन 5 में से एक घटना भी उसके द्वारा कारित की गई। इसकी पूछताछ में इसके द्वारा इन सभी घटनाओं करने को कबूल लिया गया है। एविडेंस के तौर पर देखा जाए तो इन घटनाओं से संबंधित जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें इनकी प्रेजेंस अप्रूव हो रही है। सर्विलांस के माध्यम से भी इसकी लोकेशन वहां पर अप्रूव हो रही है और जिस तरह से इसके द्वारा घटनाएं कारित की गई हैं, पूछताछ में इसके द्वारा पूरे घटनाक्रम को डिस्क्राइब किया गया है। वादी जितने भी हमारे हैं उनसे जो प्राप्त जानकारियां हैं उसको भी वेरीफाई करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि ये 5 की 5 घटनाएं इसी अपराधी द्वारा की गई थी। बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो ये पूर्व में
महिला संबंधी अपराध में वर्ष 2022 में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें ये जेल गया था। 6 महीने जेल